अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाल के दिनों में इमिग्रेशन नहीं हो पा रहा आदमियों का, लेकिन आप पहले देखेंगे 4-5 महीना पहले तो इमिग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस समय अभी आपका इमिग्रेशन नहीं हो पा रहा, इसी के बारे में आपको बताऊँगा। और कौन सा तरीका अपनाएंगे आप कि आपका इमिग्रेशन आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से 5-6 दिन के अंदर इमिग्रेशन हो जाता है। अगर आप वो तरीका अपनाएंगे तो मैं आपको जरूर, आपका इमिग्रेशन जरूर हो जाएगा। लेकिन ये तरीका मैं आपको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा, और वीडियो को स्किप स्किप करके बताएंगे देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर उल्टा सीधा कमेंट करेंगे और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। मुझे पता बहुत सारे लोग मैं ये वीडियो डालूंगा तो अनसब्सक्राइब भी करेंगे वीडियो को, ठीक है ना। तो मैं क्या तरीका बताऊंगा, ध्यान से आपको सुनना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। अब चलिए अभी आपको वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको बताते हैं। तो पहले मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ, बहुत साल पहले पीछे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपका इमिग्रेशन के बगैर लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन कपिल की मनमानी बहुत हो रही थी। बिना इमिग्रेशन के लोग जा रहे थे, बगैर एग्रीमेंट के जा रहे थे, वहाँ पे उन लोगों को कपिल अपने मनमानी से तनख्वाह देता था, अपने मनमानी से काम कराता था, चाहे वीजा कंपनी का हो या फिर ड्राइवर का हो, बकरी ही चरवाता था, ठीक ना। इसी को शिकायत को देखते हुए भारत सरकार ने रूल लगा लिया बगैर इमिग्रेशन के आप नहीं जा सकते, इमिग्रेशन करवाने के लिए आपको साथ ही साथ आपको एग्रीमेंट भी करवाना होगा, ठीक ना। तो ऐसा चल रहा था, लेकिन फिर भी लोग साइट से यानी सेटिंग से इमिग्रेशन कराते थे बगैर एग्रीमेंट पेपर के। आपको भी पता है बगैर एग्रीमेंट पेपर के आप जाएंगे तो आपके साथ क्या हो सकता, कपिल मनमानी करेगा आपके साथ, ठीक ना। तो अब पहले जो 5-6 महीना पहले इमिग्रेशन होता तो बगैर एग्रीमेंट पेपर के ही जो एजेंट लोग थे वो लोग साइट से पैसा देकर इमिग्रेशन कराते थे, बिल्कुल आसानी से हो जाता था। लेकिन जब ये बात इंडियन सरकार को मालूम चली, भारतीय सरकार को जब मालूम चली तो फिर उन्होंने इस पर कार्रवाई की और जो साइट से लोग कर रहे थे उन पर रोक लगा दिया, बिल्कुल चेकिंग चालू करके उनको बिल्कुल बंद करा दिया, ताकि आप लोग जो भी काम कराएं बिल्कुल सीधा कराएं, पहले एग्रीमेंट बनवाएं, उसके बाद आपका भी इमिग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो इमिग्रेशन करा रहे हैं और इमिग्रेशन हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन बंद नहीं अभी, लेकिन अभी भी आज लोग बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इमिग्रेशन बंद, लेकिन इमिग्रेशन बंद नहीं है, ठीक ना। बस यही दिक्कत है कि साइड से यानी पैसे देकर इमिग्रेशन नहीं हो पा रहा। पहले लोग घूस देकर रिश्वत देकर इमिग्रेशन करा देते थे, लेकिन अभी वो फिलहाल में बंद बहुत हो है, लेकिन बहुत कम हो रहा है, ठीक ना, बहुत कम ऐसे हो रहा है। आप इस बात का ध्यान दें कि बगैर एग्रीमेंट का आपका इमिग्रेशन नहीं होगा। अभी मैं बता दूं बहुत सारे एजेंट जो कराते हैं इमिग्रेशन बगैर साइट से भी करा रहे हैं, अगर आपको उनसे अपना काम करवाना है तो पहले आपको वीजा उनके ऑफिस में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है ना। जब तक वीजा आप अपने उनके ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक वो इमिग्रेशन साइट से नहीं करा पाएंगे लोग, ठीक है ना। जो बहुत जो चार एजेंट है मुझे पता है, अगर आप वीजा नया वकाला बनवाते हैं अपने ECR पासपोर्ट वालों के लिए तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं नंबर दूंगा, आप वहाँ पर वकाला कराइए, आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, साइट से करवा देंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी आपका इमिग्रेशन आसानी से कैसे होगा। अगर आपको आसानी से सही तरीके से इमिग्रेशन कराना है तो आप अपने एजेंट को बोलिए कि वो कपिल से आपका एग्रीमेंट पेपर बनवाए, क्योंकि बगैर एग्रीमेंट पेपर के इमिग्रेशन सही तरीके से नहीं होगा। अगर कपिल आपका एग्रीमेंट पेपर बना कर दे देता है तो यकीन मानिए कि आपका इमिग्रेशन 4-5 दिन के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कपिल एग्रीमेंट बना कर नहीं देगा तो आपका किसी भी हाल में इमिग्रेशन सही तरीके से लीगल तरीके से नहीं होगा, होगा तो आपका साइट से ही करवाना पड़ेगा, और साइट से सारे एजेंट नहीं करवा पा रहे हैं, वही करा रहे हैं जिनके पास वीजा आया हुआ है, जिनका वीजा उनके ऑफिस में आया हुआ है वही लोग साइट से इमिग्रेशन करा पा रहे हैं, इनके अलावा कोई भी साइट से इमिग्रेशन नहीं हो रहा किसी का भी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपका इमिग्रेशन करा दूं तो वही बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इमिग्रेशन होगा तो वही होगा जिस ऑफिस में वीजा आया हुआ है, इसके अलावा दूसरा कोई इमिग्रेशन नहीं करा सकता फिलहाल में, और अभी जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, बस यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा, वो लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे और बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देंगे, लेकिन मेरे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ सही है मैं वही न्यूज़ आपको सही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर रहे हैं
और मैसेज करना और हमारे यूट्यूब पे भी कमेंट करना इमिग्रेशन के हवाले से। मैं उन सबको बता देता हूँ जो तरीका बताया हूँ, जब तक आप एग्रीमेंट पेपर नहीं बनवाएंगे तब तक आपका इमिग्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर इमिग्रेशन का आना चाहते हैं तो आया दुबई होकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा और वीडियो को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।